हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी हमारा तीसरा पार्ट जो है कद्दू और बेल फल, इसकी रिवीजन आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। तो देखो, इस धरती पर मतलब इस जमीन पर आपको पता ही है, मनुष्यों के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और न जाने कितने सारे जीव और कितनी न सारे अनगिनत चीजें जो है वो है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। भगवान ने इस धरती को बहुत ही फुर्सत से बनाया है। जैसे ही ये धरती है वैसे ही ठीक है। अगर हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो ये दुनिया क्या हो जाएगी, पूरी उल्टा पुलट हो जाएगी। तो ऐसे ही अब इस कद्दू और बेलफल की कहानी में क्या है आपको पता ही है, पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से इसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। तो देखो, इससे पहले हम शुरू करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कद्दू और बेलफल कैसा होता है। आप लोगों को तो पता ही है, मुझे पता है कि कद्दू जो है वो एक सब्जी होती है और वो दिखने में भी बहुत बड़ी होती है। मतलब आकार में उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और बेलफल जो होता है वो छोटा सा, गेंद जैसा छोटा सा होता है। तो इन दोनों पर ही आज की कहानी है हमारी। तो कहानी में एक गोपाल नामक व्यक्ति है। कौन है? एक गोपाल नामक व्यक्ति है जो कि बेलफल जो है उसके पेड़ के नीचे खड़ा होता है फुलवारी में, और वो फुलवारी को इधर उधर, मतलब फुलवारी जो बगीचा होता है, फुलवारी मतलब क्या, बगीचा, बाग। तो वो बाग में यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तो देखते देखते उसकी नजर किस पर पड़ती है, ये है फुलवारी, बगीचा। और इस बगीचे में वो देखते देखते उसकी नजर कहाँ पड़ती है, एक कद्दू की बेल पर। और वो बेल मतलब कद्दू और बेल, आपको पता है कद्दू जो है वो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और उसका हम सोचते हैं कि अरे फल इतना बड़ा है तो उसका पेड़ भी क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन नहीं, कद्दू जो है वो आकार में बड़ा है और उसकी वो जिस पेड़ पर आता है, जिस बेल पर आता है, वो बेल क्या है, छोटी सी है। एक बड़ा सा कद्दू बेल में लगा हुआ था। जो बेल होती है वो उसकी टहनी जो होती है वो बहुत ही पतली होती है। और उसने देखा कि एक बेल पर क्या लगा है, एक मोटा सा कद्दू लगा हुआ है। यह देखकर गोपाल स्वयं से ही बोला, स्वयं से बोलना मतलब खुद से ही बात करना, बेलफल का पेड़ कितना मजबूत है, लेकिन इसमें लगने वाले फल जो है वो कितने छोटे हैं, इतने छोटे कि जैसे कि गेंद है, गेंद मतलब आप जो बॉल खेलते हैं क्रिकेट में वो वैसे। और कहां कद्दू की दुबली पतली बेल, इतना वजनी कद्दू वो कैसे उठाती होगी। तो ये सब जो गोपाल है वो अपनी खुद से बात करता है जब वो कद्दू को देखता है। और फिर
गोपाल सोचने लगता है, अगर मैंने संसार बनाया होता, इस संसार की निर्मिति, निर्मिति मतलब निर्माण करना, अगर मैंने की होती तो निश्चित ही बेल फल को कद्दू की हल्की फुल्की बेल में गूंथ देता और 25 किलो के एक एक कद्दू को इस मजबूत बेल के पेड़ पे लगा देता। तो ये सब चीजें जो है वो गोपाल अपने आप से करता है कि अगर मैंने खुद भगवान की जगह मैंने खुद अगर इस संसार का निर्माण किया होता तो मैं क्या करता। ये जो छोटी सी गेंद है, गेंद जैसी क्या है, बेल फल है, उसे मैं कहाँ लगा देता, उस दुबली पतली कद्दू के बेल में लगा देता। और ये जो 25 किलो वाले मोटे मोटे कद्दू है उन्हें कहाँ टांग देता, ऊपर बेल फल की पेड़ पर, क्योंकि बेल फल का पेड़ जो है वो क्या है, मजबूत और मोटा है, और कद्दू की बेल जो है वो क्या है, बहुत ही दुबली पतली है। तो ये सोचते सोचते गोपाल ये सब कहता है। तो देखो अभी इसके आगे की कहानी जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक की कहानी आपको एक बार फिर से पढ़नी है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।